एक्सलेंस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बिकॉज दिस वीडियो इज अगेन अ रैपिड रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री क्लास 11th। सो इस वीडियो के अंदर हम आपका जो चैप्टर 5 है हिस्ट्री का, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, इसको एक बार रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। सो चैप्टर का नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन। इस नाम से आप क्या समझ पा रहे हैं कि हम एक ऐसे टाइम को पढ़ेंगे जब कल्चर्स ट्रेडिशंस चेंज हो रहे हैं। तो हम यूरोप की बात करेंगे, 14th to 16th century, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे यूरोप के अंदर। इस टाइम पीरियड को रेनेसा कहते हैं। तो इस टर्म को हम अच्छे से इस चैप्टर में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सो रेनेसा का क्या मतलब होता है? रीबर्थ, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जब हर तरीके से चेंजेस आ रहे थे, हर तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी अर्बन कल्चर्स की। अब इस टाइम पे नए नए कल्चर्स ट्रेडिशंस आ रहे थे, अब लोग चर्च को क्वेश्चन करने लग गए थे। चर्च का पहले दबदबा होता था पूरे यूरोप के अंदर, जो चर्च बोलता था वही लोग फॉलो करते थे, मानते थे, एक्स्ट्रा टैक्स पे करते थे चर्च को। अब ये सारी चीज़ें खत्म हो रही थी, लेकिन एडवांसमेंट की तरफ अब यूरोप बढ़ रहा था, रिवाइवल हो रहा था यूरोप का। तो उसी चीज़ को रेनेसा कहते हैं, रीबर्थ। 14th to 16th century के दौरान अर्बन कल्चर्स की डेवलपमेंट होने लग गई थी यूरोप के अंदर। अब इतने बल्क में लोग बुक्स को पढ़ने लग गए थे, बुक्स की इम्पॉर्टेंस आ गई थी। पहले तो क्या होता था, जो चर्च बोलता था वही सब ट्रुथ मान लेते थे, सब उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया करते थे। लेकिन अब बुक्स की इम्पॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। पहली बार ऐसा इटली में हुआ था कि अब ह्यूमैनिस्टिक सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, फिलॉसफी, एथिक्स, पोएट्री, ग्रामर, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई थी। इससे पहले ये चीज़ें इटली के अंदर नहीं होती थी। अब लोग स्पीकिंग एटिकेट्स के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर, मेंटल एफिशिएंसी के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस करने लग गए थे, इन सभी चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझने लग गए थे। ये वही टाइम था जब नए इन्वेंशंस होने लग गए थे साइंटिस्ट के द्वारा। अब बहुत सारे फेमस आर्ट वर्क्स करते थे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इन सभी चीज़ों की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। जो मिडिल क्लास की जो थिंकिंग होती थी चर्च के बारे में, अब वो बदलती जा रही थी। पहले वो उसे बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा देते थे, सारी चीज़ों में डोमिनेट करता था चर्च, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब विमेन लिबरलिज्म के ऊपर, राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर एम्फोसिस होता जा रहा था। विमेन को भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए हर एक चीज़ के अंदर, ये सारी चीज़ें जो हैं फॉलो करनी शुरू कर दी गई थी। ह्यूमैनिस्टिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली मिडिल एज में जो थिंकिंग होती थी लोगों की, वो कम्प्लीटली चर्च कंट्रोल करता था। चर्च जो बोलता था वही होता था, चर्च लेटर्स लिखवाता था, कन्फेशन लेटर्स जिन्हें बोला जाता था, चर्च को टैक्स पे करना होता था, एंड ऐसा बोला जाता था कि ये भगवान के लिए, तो वो सारी चीज़ें चर्च कंट्रोल करता था। हर एक तरीके से चर्च का कंट्रोल होता था लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से नॉलेज का लॉस होता था ग्रीक और रोमन लोगों के अंदर। ब्रूसल एंड्रेस विसेलियस, ये एक प्रोफेसर थे ह्यूमन एनाटॉमी के इन पेडुआ यूनिवर्सिटी। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रो एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे ह्यूमन की बॉडी के ऊपर। प्लेटो का एफ्लेटून बोला जाता था, एरिस्टोटल को अरिस्तून बोला जाता था इन अरेबिक लैंग्वेज, यानी कि दूसरे अरेबिक लैंग्वेज वगैरह में। इन चीज़ों में भी अब इन लोगों की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती थी। ह्यूमनिस्ट लोग मानते थे कि जो मैन है वो गॉड की क्रिएशन है, यानी कि भगवान ने ही मैन को बनाया है। लेकिन वो लोग ये भी कहते थे कि बेशक भगवान ने हमें बनाया है, लेकिन हर एक पर्सन को कंप्लीट फ्रीडम है अपनी लाइफ जीने के लिए, यानी कि हम जैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हैं हम जी सकते हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो कैसे हमारी लाइफ हमें जीनी है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। वो ये भी कहते थे कि ह्यूमंस को खुद ब खुद ढूंढना होगा और एक्सपीरियंस करना होगा हैप्पीनेस को, बेशक कैसे ही सर्कमस्टांसेस हो, चाहे दुख हो, सुख हो, लेकिन खुद से हमें हैप्पीनेस ढूंढनी होगी अपने अराउंड, अपनी वर्ल्ड में। कॉपरनिकस मार्टिन लूथर के कंटेम्प्रेरी थे, यानी कि मार्टिन लूथर के टाइम के पर्सन थे कॉपरनिकस। उन्होंने बोला कि जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि अर्थ, ये सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो ये बताने वाले कॉपरनिकस थे। लियोनार्डो द विंसी, इनके बारे में सब जानते हैं, ये एक बहुत फेमस आर्टिस्ट थे जिनका इंटरेस्ट वेरी करता था, बॉटनी, एनाटॉमी टू मैथमेटिक्स एंड आर्ट, हर चीज़ में इनका इंटरेस्ट होता था। मोनालिसा एंड द लास्ट सपर, ये उनकी फेमस पेंटिंग्स हैं। जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो जोहान गुटेनबर्ग ने इन्वेंट करी थी, जो एक जर्मन पर्सन थे, जर्मन नेटिव थे। उन्होंने 150 कॉपीज ऑफ बाइबल प्रिंट करी थी। जो रूलर्स थे उस टाइम पे इंग्लैंड के, उन्होंने रोम का जो पोप होता था, यानी कि जो चर्च का हेड होता था उसे पोप बोलते थे, सो रोम का पोप,
उस टाइम पे बहुत ज्यादा वी कैन से डोमिनेटिंग था, लेकिन अब जब चर्च की सच्चाई सब लोगों को पता लगने लग गई थी, तो रूलर्स जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने अपने सारे रिलेशंस खत्म कर दिए रोम के पोप के साथ, और अब वो इंग्लैंड के रूलर्स चीफ बन गए थे इंग्लैंड के चर्च के। जो क्रिश्चियन रिलीजन था वो क्लियरली प्रोटेस्ट कर रहा था इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की तरह, यानी कि चर्च पहले जो भी बोलता था भगवान के नाम पे सब लोग उसके ऊपर अंधाधुंध विश्वास करते थे, लेकिन अब क्रिश्चियन रिलीजन में ऐसा नहीं होता था, वो इस ओपिनियन की तरफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो कन्फेशन लेटर्स वाला जो सिस्टम था, जो नए टेक्स्ट होते थे, इन सभी की तरफ क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करने वाले लोगों का एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। अब कैथोलिक चर्च अपने साथ बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेके आया। पहले क्या होता था, भगवान के नाम पे लोगों से पैसे वसूल किए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता था। चर्च फोकस करता था सिंपल लिविंग पे, यानी कि साधारण जीवन जियो और जो पुअर लोग हैं उनकी हेल्प करो, उनको सर्विस दो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। गैलीलियो, ये एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे इटली के, इन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, साथ ही साथ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स और सीक्रेट इन्होंने डिस्कवर किए। जो सिल्क रूट था, जब उसकी डिस्कवरी हुई उसकी मदद से बहुत सारे इटालियन सिटीज रिवाइव हो पाई, वो इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स बन पाई। अब इस टाइम पे प्राइवेट और पब्लिक एरियाज के अंदर भी एवोल्यूशन देखने को मिल रहा था, अब वो जगहें भी डेवलप हो रही थी। 12th सेंचुरी में ट्रेड रिलेशंस का एक्सपेंशन देखने को मिला, बाइजेंटाइन एम्पायर, इस्लामिक कंट्रीज और मंगोल्स और चाइनीज के बीच में जो रिलेशंस थे ट्रेड के, अब वो बढ़ते दिखाई दिए, जिसके वजह से जो इटालियन सिटीज हैं उनका रिवाइवल हुआ, उनका राइज हुआ, अब वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गई। स्पेन के अंदर 1540 इस टाइम पीरियड में एक सोसाइटी ऑफ जीजस, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इग्नेस लोयोला पीपल के द्वारा, ताकि वो इन प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ लड़ सके। सो यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर खत्म। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ये एक रैपिड रिविजन थी, मैंने जल्दी जल्दी हर एक चीज़ कवर करी है। सो अगर आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझनी है, कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़ना चाहते हो, सो यू कैन रेफर टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो भी इस चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर आप इतने लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, देन वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। फॉर नोट्स यू कैन रेफर टू टेलीग्राम चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।